एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग कर सकते हो ये है कि अगर बहुत एंजाइटी होती है ना किसी चीज की, ठीक है, सो हमेशा या तो एक दिन पहले पहुंच देख कर आओ जगह या कुछ देर पहले पहुंचो। मैं यहाँ पे आ रही थी ना, सर ने मुझे लोकेशन शेयर की, सर ने मुझे कहा नाजमा 9:30 लीव करना, मैं यहाँ 9:30 पहुंच गई थी। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी, मैं पहली दफा पहुंच रही थी, मुझे था पता नहीं कैसी जगह होगी, मैं किन लोगों से मिल रही होगी, इट इज नॉर्मल टू हैव एंजाइटी। सो इट इज लाइक या तो बहुत अर्ली पहुंच जाओ ताकि वहां पे बैठे होगी ना एज अ ह्यूमन हम फेमिलियर हो जाते हैं, हमें ना फियर ऑफ अननोन होता है। सो इट इज लाइक हमें जब उस एम्बियंस से अंदर फेमिलियर हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, सो एंजाइटी हो रही है या तो जगह पहले जाके देखा एक दफा या फिर कुछ देर पहले पहुंच जाओ जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। प्रैक्टिस विद अ कपल ऑफ मॉक इंटरव्यूज टू गेन कॉन्फिडेंस, और ये तैयारी कर ली है ना इंटरव्यू की तो उसको बुला ली मेरा इंटरव्यू तो ले दिया, और उसको बेशक शुगर मिला करने दो, जवाब हमेशा फुल सीरियस फॉर्म में दो। मॉक इंटरव्यूज हेल्प्स अ लॉट, रिसर्च द कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लेवल पे, जब भी किसी कंपनी की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो हमेशा उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत हर पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक होंगी ना तो आपको दुख नहीं होता इतना, तो मतलब रियलिटी चेक रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट गेट योर सेल्फ ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंटरव्यू में जाओ, अगेन आई वुड से मेरे और मेरे सर के जो है वो प्रीवियस जो बॉस थे उनके साथ एक कैंडिडेट का इंटरव्यू था, एंड ही एंटर्ड, उसने इस तरह की व्हाइट शर्ट पहनी थी और उसने ना क्लब स्लीव्स को कफ करके ना यहाँ पे किया हुआ था, बड़ा कॉन्फिडेंट एंटर होके यहाँ पे बैठा, उसने कहा जी सलाम अलैकुम सर, उसके लिए उन्होंने इससे पूछा आर यू हेयर फॉर द इंटरव्यू, उन्होंने कहा यस सर, अगला जवाब उन्होंने बताया क्या सवाल पूछा, उन्होंने कहा This is how you dress up for the interview. उसको जवाब ही नहीं था, यहाँ तक कि he was a very good resource, but मैंने आपको बताया ना कि उनका टेक्निक ही बहुत प्रेशर में डाल के फिर चल रहा। उसने कहा सर आई एम रियली सॉरी आई वाज आउट देयर, उन्होंने कहा अगर आपके पास टाइम ही नहीं था तो फिर आप आए थे, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरव्यू अ कैंडिडेट जिसके पास वक्त ही नहीं है, तो वो कहीं और पहुंच गया और अल्टीमेटली हमने उसको हायर कर दिया। तो इट इज लाइक कोई भी मसाइल है, लाइट नहीं थी रात को, गर्मी लग रही थी, किसी के घर चले जाओ, शावर लो, सेंट लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, एंड दिस इज ऑल।